हेलो दोस्तों, मैं हूं चित्रांशी। और दोस्तों, हम लोग अभी थाट पर 20 अलंकार बजाने की कोशिश कर रहे हैं। दो थाट हमने आपको सिखाया था, आज हम लोग तीसरे थाट की ओर चलते हैं, भैरवी थाट। दोस्तों, इसमें रे गा धानी चारों स्वर कोमल लग जाते हैं और इसका स्वरूप बहुत बढ़िया बनता है। आप इसको बोलिए भी और बजाइए भी, इससे आपका गला भी मजबूत होएगा और इसमें फिंगर भी अच्छी स्मूथ चलेगी। तो आइए चले कीबोर्ड की ओर और देखें 10 अलंकार भैरवी थाट पर। अलंकार जैसा हमने आपको बताया था कि एक नियम के अकॉर्डिंग टू जब हम लोग मध्य सप्तक के सा से लेके कार सप्तक के सा तक स्वरों को ले जाते हैं तो वो अलंकार बनता है। इसमें जो हम स्केल यूज कर रहे हैं रे गा धानी कोमल करके, तो ये सा सीशा रे डी ई कोमल गा मा एफ शार्प पा जी शार्प धा ए नी बी एंड ये हाई ऑक्टेव का सा सी शार्प। तो अब दोस्तों, एक हम टेम्पो ले लेते हैं जिसको हमने 90 पर सेट किया है। 2 3 4 1 2 3 4 पहला अलंकार करना है आपको 2 3 4। ये आपका पहला अलंकार खत्म हो गया। फिर दूसरा अलंकार, पहले टाइमिंग 2 3 4 1 2 3 4। चौथे अलंकार की ओर चलते हैं, पहले था कि ले 1 2 3 4।
आइए इसकी दुगुन देखिए, 1 2 3 4। पांचवी अलंकार की ओर, टाइमिंग 1 2 3 4। पहले था टाइमिंग 2 3 4, 1 2 3 4। Thank you.
आठवें अलंकार की ओर चलें। पहले था की ले, टाइमिंग 2, 3, 4 गाइएगा भी इसको, अदरवाइज बजाने की प्रैक्टिस करिएगा। 3, 4, 1, 2, 3, 4 लेसन का अंतिम अलंकार। इसमें जो देख रहे हैं आप, ये एक बेल टाइप की आवाज आ रही है, यही वन है, 1, 2, 3, 4। तो ये काउंटिंग बहुत जरूरी है। अब इसी पर हम लोग दुगुन बजाते हैं। 1, 2, 3, 4
दोस्तों 10 अलंकार थे। लेफ्ट साइड पर अगर आपको हो सके तो सी शार्प, एफ शार्प और सी शार्प, इसका आप सपोर्ट ले सकते हैं हर एक्सरसाइज में। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये थर्ड फ्रेज अलंकार अच्छे लगे होंगे। आप इनको प्ले करिए, बहुत मजा आएगा आपको। जब भी ढंग से बजने लगेगा आप धीरे धीरे टेम्पो बढ़ाइएगा इसका। हमने 90% किया है, आप 100 पर करिएगा, 110 पर करिएगा, 20 पर। स्पीड की कोई लिमिट नहीं होती दोस्तों, जितना भी आप कर सकते हो उतना बढ़ाइएगा। दोस्तों अगर ये पसंद आया है तो मेरे चैनल का नाम साउंड ऑफ प्लैटर है, आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और दोस्तों कमेंट भी जरूर करिएगा ताकि हमें पता लगे कि आपको ये लेसन कैसा लगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।